हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा, बजट में लोगों के सुझाव को भी शामिल किया गया है। बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, इस बार 1,83,950 रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया, ये पिछले साल की तुलना में 11.6% अधिक है। सीएम मनोहर लाल ने 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। राज्य के उत्कृष्ट कर प्रशासन से कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व की कमी पूरी होने की उम्मीद है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों के लिए मृत्यु और दिव्यांग होने पर सरकार देगी आर्थिक सहायता, जिसके लिए नई योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा, SYL नहर के लिए फिर 101 करोड़ का बजट रखा गया है। सीएम ने आगे कहा, ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो सरकार तैयार है। बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, किसान ड्रोन को अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद और सिरसा जिले के मनगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में 2,238 किसानों की पहचान की गई और 5,906 एकड़ में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की गई, जबकि गत वर्ष के बजट भाषण में निर्धारित 2,500 एकड़ का लक्ष्य रखा गया था। ये एक छोटी सी लेकिन उल्लेखनीय शुरुआत है। वर्ष 2023-24 में मैं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। सीएम ने कहा, पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन का प्रस्ताव रखा गया है, इसका संचालन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड करेगा, इसका लाभ किसानों को मिलेगा। सीएम मनोहर ने कहा, किसान को ढेंचा की खेती के माध्यम से हरी खाद अपनाने के लिए नई योजना लाई जाएगी, सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की लागत से 80% वहन करेगी और किसान को लागत का 20% योगदान देना होगा। इस बार गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया गया, पहले ये 40 करोड़ रुपए था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु हैं। गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य साल 2023-24 में शुरू हो जाएगा। साल 2023-24 में 3 अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जाएगा, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। 1.80 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी और 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50% अनुदान दिया जाएगा। सीएम ने कहा, कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा, पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल, 1 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 1 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी, अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास स्थापित किए जाएंगे, कुरुक्षेत्र में 1 साइकिल वेलोड्रोम और करनाल में 1 वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा, नाबार्ड सहायता से 554 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा, राज्य में 14 नए बाईपास बनाए जाएंगे। किलोमीटर प्रणाली के तहत 1,000 और बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें 200 मिनी बसें होंगी,